हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हरियाणा का एचटेट का एग्ज़ाम था, तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और मैं डायरेक्ट एग्ज़ाम सेंटर से आपके लिए आंसर की लेकर आई हूं। इसमें मैं कोई पेंसिल वगैरह का यूज़ नहीं करूंगी, तो जो भी मैं ऑप्शन बोलूँ उन्हें ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अभी मैं भी ऑन द वे हूँ और वहीं से मैं आपको आंसर बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चे की शारीरिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसका ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है, डिसग्राफिया इज अ, डिसग्राफिया हमारा क्या है, कौन सी एक अक्षमता होती है? तो हम सभी को पता है डिसग्राफिया हमारी एक राइटिंग डिसेबिलिटी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द स्टेज ऑफ ओबिडेंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट इज इंक्लूडेड इन विच लेवल ऑफ मॉरेलिटी इन कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट की जो कॉलबर्ग की थ्योरी है, उसकी कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था में होता है? तो वो हमारा लेवल वन है, प्री कन्वेंशनल मॉरेलिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मैनी ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स आर इंक्लूडेड इन रोशार्च इंक ब्लॉट टेस्ट। कितने ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स होते हैं? पांच हमारे वो ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, अकॉर्डिंग टू द ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ थिंकिंग। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, न्यूमेरिक, यानी कि आंकिक। क्वेश्चन सिक्स देखिए, अ लिटल गर्ल डेली चेंज द क्लॉथ ऑफ हर डोल, अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिस इज कॉल्ड एज। तो जो ये एक छोटी सी लड़की है जो अपनी डॉल के कपड़े बदलती रहती है हमेशा, तो प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी एक स्टेज है या कौन सा ये सिद्धांत है? तो ये हमारा है एनिमिज्म का, जीववाद का। इसका ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, बेसल एज इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंटेलिजेंस। क्वेश्चन एट है, अ टीचर टॉट टू द स्टूडेंट्स दैट प्लूरल ऑफ गर्ल इज गर्ल्स, विद दिस लर्निंग द स्टूडेंट मेक प्लूरल ऑफ वुमन इज वुमन्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, नेगेटिव। क्वेश्चन नाइन है, व्हाट विल बी मेजर्ड थ्रू चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ टीचर टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर नो का आपका आंसर होगा ऑप्शन फोर, पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद बिहेवियरिज्म। चार आपको साइकोलॉजिस्ट दिए हैं, इनमें से कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो व्यवहारवाद से संबंधित नहीं हैं? तो वो आपके हैं फ्रायड, जो फ्रायड हैं वो आपके व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर थ्री, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, पृथकीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आपकी किसने दी है? हल ने दी है। तो 12वें का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वन, हल। 13th क्वेश्चन है, responses that produce a satisfying effect in a particular situation become more likely to occur again in that situation. This law of learning given by whom? इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, थोरनडाइक। क्वेश्चन 14, द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन पर, थर्स्टन इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट विच स्टेज इज रिलेटेड टू द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स। इसमें आपका ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरियरिटी। क्वेश्चन 16 कहता है, आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। आर्मी अल्फा टेस्ट हमारा किस टाइप का है? ऑप्शन नंबर वन, वर्बल ग्रुप टेस्ट। क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इसमें पेयर दिए हुए हैं, इसमें आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर है, अपील डिस्ट्रेस वाला। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसका आपका ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लार्ज ग्रुप।
Question 19. Sheldon has divided all human beings into different categories on the physical dimension. What is the method of personality study? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टाइप मेथड. Question 20. Which one of the following is a projective technique of personality measurement? Question number 20 का आंसर है ऑप्शन ए, प्ले एंड ड्रामा. Question 21. The personality and intelligence quotient of Mohan are different from Sohan. What are these differences called? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस. क्वेश्चन 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनेट मोटिव. इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अचीवमेंट. क्वेश्चन 23 कहता है डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू विच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट. तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन 2, मेंटल. क्वेश्चन 24 कहता है साइन लैंग्वेज इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन. तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हियरिंग डिसेबल्ड. अच्छा देखिए, जो अभी हमारा एक और क्वेश्चन था स्क्रीन पर, वो शायद मैं बाय मिस्टेक ऑप्शन कुछ और बता गई हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 21, द पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट ऑफ मोहन आर डिफरेंट फ्रॉम सोहन, वट आर दीज डिफरेंसेज कॉल्ड. इसका हमारा ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेज. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर करेक्ट कर लीजिएगा. 21 का जो ऑप्शन है हमारा ठीक आंसर है वो है ऑप्शन 1, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हम थे अभी 25 क्वेश्चन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी. जो हमारा 25 क्वेश्चन है उसका ठीक ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, लेक्चर. क्वेश्चन 26 कहता है हु प्रोफाउंडेड द थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. तो 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, गिलफोर्ड. क्वेश्चन 27 कहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ. तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 28, द डिफरेंसेस इन एटीट्यूड इंटरेस्ट अचीवमेंट एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ डिफरेंसेस. इसका आपका ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी. देखिए इस टेस्ट का, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 2, न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज आल्सो नोन एज. तो जो हमारी इनसाइड थ्योरी है उसको हम गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसका हमारा ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गेस्टाल्ट थ्योरी. तो ये था हमारा CDP का पेपर. जो बाकी सब्जेक्ट्स के HTET के पेपर हैं वो भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी. अभी फिलहाल मैं भी एग्जाम सेंटर पर हूँ, जैसे ही मैं घर पहुंचती हूं बाकी पेपर भी आपके सामने आ जाएंगे, आप उनको मैच कर सकते हैं. और अभी जो मैंने आपको आंसर की दी है वो सिर्फ मैंने आपको ठीक आंसर बताए हैं, एक्सप्लेन नहीं किया है. जैसे ही मैं घर पहुंचती हूं एक एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैं आपकी एक वीडियो डालती हूं. तब तक के लिए आप अपने आंसर मैच कीजिएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.